क्या कह रहे हैं? जे बता रहे कि अभी इनको 4 महीने थे, जे प्रेग्नेंट है, तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके बेबी को पोलियो की प्रॉब्लम है। देखो परमेश्वर जमांद्रु अभी 4 महीने का बच्चा है, वो पेट में है, और मैंने कहा था कि मैं आज पोलियो की हीलिंग को जो जमांद्रु है उसको मैं देख रहा हूं। आपने सुना कि नहीं सुना? बोले सुना कि नहीं सुना? देखो परमेश्वर महान है और आपके मन की बातों को जानता है। सिस्टर का नाम रूपा है, जो अजनाला रोड मैलावाल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि जे सिस्टर प्रेग्नेंट थे और इनको 4 महीने की इनकी प्रेगनेंसी थी, जब इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो बेबी है उसको पोलियो की प्रॉब्लम हो गई है, तो जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, और जैसे इनके पास प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज पहुंची, और जे पहले प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और जे सिस्टर फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से हीलिंग हुई कि जिन्हें जो पोलियो के रोगी हैं, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। पोलिया खत्म हो जाए। मैंने कहा जो बचपन पोलियो के रोगी हैं, जो ऑनलाइन है, जो जहां पे है, अगर आपका बेटा है, आपका कोई भी है, खुदावंद आपको जो पोलिया के पोलिये से, जो बचपन से पोलिया है, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा पोलिये के कारण जिनके अंग डेड हो चुके थे बचपन से, वो अंग फिर से यीशु मसीह के नाम से जी उठे। और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से फर्स्ट टाइम जब जे मीटिंग में आए 9 दिसंबर के दिन, और जिनके लिए हीलिंग हुई, और जैसे ही प्रभु के दास क्लीसिया में थे, और जैसे ही वो सबके लिए ले हैंड कर रहे थे, और जैसे इनके लिए भी इनके सिर पर हाथ आया, तो क्योंकि उस दिन जब फर्स्ट टाइम आए थे, इनको कुछ भी ज्यादा पता नहीं था कि कैसे हीलिंग को रिसीव करना है, कैसे विश्वास करना है, तो जैसे ही प्रभु के दास के आत्मा ने इनके सिर को छुआ और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया कि जो ऐसे वर्ड आया था और जो प्रॉब्लम है, ऐसे जो प्रेग्नेंट है और इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, और जो इनको बेबी के जो पोलियो की प्रॉब्लम है, हम उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो उस दिन इन्होंने ऐसे जो अपनी प्रॉब्लम बताई और जिनका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है जिसमें जो प्रॉब्लम आई है, और जैसे ही प्रभु के दास ने इनको इनको उत्साहित किया, सबसे पहले अच्छे से दिखाओ, हाँ पूरा पूरा दिखाओ, नीचे मत लेकर जाओ, जो लिखा उसे दिखाओ पूरा, ठीक है। और जैसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और जैसे प्रभु के दास के मुख से इनके लिए वर्ड आया, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को भी देखते हैं। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, तो सिर्फ अपने मन को फिराओ, अपनी संसार की चीजों से बाहर आ जाओ। देखो एक चीज, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा, पर मैंने आज कहा था कि पोलियो की हीलिंग परमेश्वर आज दे रहा है। जमांद्रु क्या क्या क्या, दोबारा बोलो, आप बोलो क्या कह रहे हैं? जे बता रहे कि अभी इनको 4 महीने थे, जे प्रेग्नेंट है, तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टरों ने बताया कि इनके बेबी को पोलियो की प्रॉब्लम है। देखो परमेश्वर जमांद्रु अभी 4 महीने का बच्चा है, वो पेट में है, और मैंने कहा था कि मैं आज पोलियो की हीलिंग को जो जमांद्रु है उसको मैं देख रहा हूं। आपने सुना कि नहीं सुना? बोले सुना कि नहीं सुना? देखो परमेश्वर महान है और आपके मन की बातों को जानता है। बोलो क्या है? विश्वास करती है? आज खुदा ने तेरे लिए जो वर्ड बोला है, मैं पहली बार आई हूं आज। यीशु मसीह का सच्चा खुदा है, विश्वास करती है? बने रहना। और जैसे
इन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया और जब बता रहे कि जैसे अभी इनको पांचवा मंथ चल रहा है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, अभी उन रिपोर्ट्स को देखते हैं और इनकी जो रिपोर्ट्स है बिल्कुल नॉर्मल है, इनके बेबी को कोई भी पोलियो की प्रॉब्लम नहीं आई और ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में इस बड़ी गवाही को बनाया और अभी नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आज अपनी गवाही के साथ जो परमेश्वर के हजूरी में आए, हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। वटे मौजजे करी दाए जदो रूह विच आउंदाए, वटे मौजजे करी दाए जदो रूह विच आउंदाए, लंगड़े चलाउंदाए जदो रूह विच आउंदाए, जलाल दा परमेश्वर अज सब नू छुरिया, जलाल दा परमेश्वर अज सब नू छुरिया। आमेन आमेन। कितने लोगों का विश्वास है आज जो ऑनलाइन है, जो जहां पे, कितने लोगों का विश्वास है कि आज मुझे भी वो छुएगा? बोलो क्या है? देखो, पेट में पल रहा बच्चा और ये सिस्टर कितनी तारीख को बताया? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को फर्स्ट बार, पहली बार इस मिनिस्ट्री में आई और पहली बार ही खुदावंद ने इसके लिए बोला। क्या बोला? क्योंकि इसे पता नहीं, जब मेरे मुंह से खुदावंद ये वर्ड दे रहा था तो इसे नहीं पता था कि मैंने आगे आना, रिसीव करना। पर इसने, जब खुदावंद की आत्मा ने मुझे फिर से अगुवाई की और मैं पीछे गया और मैं कुछ लोगों पर ले हैंड करने लगा, और जब मेरा हाथ इसके सिर पर आया तो ये बताने लगी कि ये प्रॉब्लम मेरी है। बोले समझ आ रही है? बोलो। ये इसने बताया मेरी है। देखो, अभी बच्चा पेट में है और डॉक्टर ने कहा इससे पोलियो है और रिपोर्ट, इनके पास रिपोर्ट है और पहली बार ही आए और खुदावंद ने मेरे मुख से उस वर्ड को दिया। मैंने बताया क्योंकि नहीं पता नहीं, मैंने कहा यीशु मसीह धर्म का नहीं है, हाँ वो सच्चा खुदा है, अगर विश्वास करती हो तो तू गवाही से आएगी। और वैसा ही हुआ, आज खड़े नॉर्मल रिपोर्ट लेकर और आपके सामने है। ये छोटी बात नहीं है, मैंने कहा ये छोटी बात नहीं है। बोलो क्या है? छोटी बात नहीं है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी अगर कुछ शैतान करता है तो परमेश्वर गर्भ में भी उसे अच्छा करना जानता है, क्योंकि वो ताकत का परमेश्वर है। मैंने कहा वो ताकत का परमेश्वर है। जोर से अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो खुदावंद की। ओ ताकत दा परमेश्वर, खड़े होकर ये तारीफ होनी चाहिए। अज सबनो शुरेहा, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनो शुरेहा।